Hello friends, welcome to Shiva Learning. For more updates, you can also log into our website www.shivalearning.in. So friends, ये वीडियो JEE Mains के एग्ज़ाम देने वालों के लिए जो अप्रैल में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जिन्होंने जनवरी वाला एग्ज़ाम दे दिया था, उन दोनों के लिए वीडियो है. और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अप्रैल वाले एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है और कैसे डिसाइड करें कि दोबारा अपीयर हुए एग्ज़ाम के लिए जो जनवरी में दे चुके हैं या नहीं. मैं जानता हूँ काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. मेरे पास एक आर्टिकल है, देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं. और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, वैसे काफ़ी बड़ा आर्टिकल है. मैं समराइज करके आपको बताऊँ तो इसमें ये लिखा है, सबसे पहले तो मैं डेट बता देता हूँ, जो अप्रैल का एग्ज़ाम होने वाला है उनकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो 8 फरवरी 2019 से स्टार्ट हो जाएंगे. यानी कि 8 फरवरी 2019 को आप अपना रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं. और कब तक है ये भी मैं बताता हूँ, ये मार्च तक है रजिस्ट्रेशन. आप मार्च की कितनी तारीख तक कर सकते हैं सब इस आर्टिकल में लिखा हुआ है. और बेसिकली इस वीडियो का मेन मकसद वो है कि कैसे डिसाइड करें कि दोबारा एग्ज़ाम अपीयर हो या नहीं हो. तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दी डेट कि कैसे करें. और इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इस बार सबसे जल्दी जो है वो रिज़ल्ट आ गया है रिकॉर्ड टाइम में, 7 दिन के अंदर NTA ने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया था. और आइए पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं. स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन February 8, 2019. लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन JEEMain.NIC.in March 7, 2019. तो गाइस एक महीने तक ये पोर्टल खुला रहेगा और एक महीने में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अप्रैल वाले एग्ज़ाम के लिए. JEEMain 2019 एडमिट कार्ड डाउनलोड March 18 और डेट ऑफ एग्जामिनेशन April 6 to April 20. JEEMain रिजल्ट एंड JEEMain 2019 रैंक्स April 30, 2019. वैसे तो इस बार भी रिजल्ट इन्होंने 30 जनवरी को बोला था, बट रिजल्ट जल्दी आ गया तो होप कि अगली बार भी जल्दी ही आ जाएगा. तो चलिए गाइस देखते हैं कि जो मेन वीडियो का टॉपिक है कि कैसे डिसाइड करें. तो उसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको ध्यान में रख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि दोबारा एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए या नहीं. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले पॉइंट भी यही है और ये बात मैं अभी बताने भी वाला था कि जो बेस्ट होगा दोनों स्कोर्स का वही कंसिडर किया जाएगा एग्जामिनेशन उसकी रैंक के लिए और जो भी स्कोर होगा. तो सबसे पहले पॉइंट वही है, द बेटर ऑफ द टू स्कोर्स JEEMain 2019 January और JEEMain 2019 April विल बी कंसिडर्ड शुड अ स्टूडेंट चूज टू अपीयर इन बोथ द एग्जामिनेशन. सेकेंड वन इज JEEMain 2019 रैंक वुड बी कंसिडर्ड बेस्ड ऑन द टोटल NTA स्कोर. इन केस देयर इज अ टाई द हायर JEEMain रैंक वुड बी गिवन टू. तो अगर कहीं पर टाई हो जाता है दोनों एग्जामिनेशन के उसमें तो जो किस स्टूडेंट्स को हायर रैंक मिलेगी, किस स्टूडेंट को वो रैंक मिलेगी वो मैं बताता हूँ. जो हायर रैंक मिलेगी वो पहली कंडीशन है स्टूडेंट्स वो स्कोर हायर स्कोर इन मैथमेटिक्स. सेकेंड है स्टूडेंट्स वो स्कोर हायर इन फिजिक्स. थर्ड है स्टूडेंट्स वो स्कोर हायर इन केमिस्ट्री. और फोर्थ है एज, एल्डर स्टूडेंट गेट रेसिडेंस. तो ये चार कंडीशंस है, अगर टाई हो जाता है तो दोनों स्कोर्स का और दो स्टूडेंट्स में. और थर्ड कंडीशन है इन केस टू कैंडिडेट्स टैली इन ऑल द अबव पैरामीटर सेम JEEMain 2019 रैंक वुड बी अलॉटेड टू द स्टूडेंट्स. अगर ये सारे पैरामीटर्स दो कैंडिडेट्स पे अप्लाई हो जाते हैं सब सेम रहता है तो सेम रैंक उन दोनों कैंडिडेट्स को दे दी जाएगी. तो चलेगा इधर बात करते हैं कि एक्सपर्ट का कहना क्या है, क्या सजेस्ट करते हैं एक्सपर्ट. तो इस आर्टिकल में आगे लिखा है, एक्सपर्ट सजेस्ट दैट द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड अ रॉ स्कोर ऑफ अबाउट 250 एंड अबव एंड आर रैंकिंग अबव 85% में नॉट वरी अबाउट अपीयरिंग फॉर द एग्जाम इन अप्रैल. तो भाई ये सब तो एक्सपर्ट्स का कहना है, बाकी डिसीजन आपका फाइनल होना चाहिए. एक्सपर्ट्स तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर 250 और उससे अबव रैंक कर रहे हैं, अगर स्कोर कर रहे हैं और रैंक कर रहे हैं 85% से अबव, तो आपको अप्रैल में एग्ज़ाम देने की चिंता नहीं होनी चाहिए. तो ये एज़ पर द एक्सपर्ट रिपोर्ट्स है. अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा एग्ज़ाम दे के उससे भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो आप अभी 7-8 फरवरी से रजिस्टर करके एग्ज़ाम दे सकते हैं. तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें इस वीडियो की. और ये JEE Mains वालों पे मैं आजकल थोड़ा और फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अभी अप्रैल में उनका एग्ज़ाम है और अप्रैल के बाद देन मई में नीट वालों का है. तो दोनों ही
के लिए सारी अपडेट हमारे चैनल पर आती रहेंगी। उसके लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके फ़ोन पर जैसे ही हमारी कोई अपडेट आती है। तो मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ। फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।